यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए यहां पर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ चुका है, जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर। फाइनली दोस्तों, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यूपी स्कॉलरशिप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2024-25 के लिए यहां पर फाइनली अपडेट आ चुका है। तो दोस्तों, आज के शो में हम बात करेंगे, अगर आप यहाँ पर 9th के छात्र हैं या कक्षा 10 के छात्र हैं, कक्षा 11 के छात्र हैं या कक्षा 12 के छात्र हैं, बीए के छात्र हैं या आप बीएससी के छात्र हैं, इसी के साथ आप बीकॉम या फिर आप पॉलिटेक्निक, बी फार्मा, डी फार्मा, यूजी या पीजी किसी भी क्लास के छात्र हैं, कोई भी डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं, तो दोस्तों फाइनली दोस्तों आपका जो नया अपडेट है यूपी स्कॉलरशिप को लेकर, वो यहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर है। फाइनली दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। इसी के साथ यहां पर हम बताएंगे आप लोग कब से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर पाओगे, इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है, जिसका अपडेट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो फाइनली दोस्तों आपको सबसे पहले यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, इस पे आपको यहां पर सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहां पर आओगे, अब यहां पर आपको स्टूडेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो फाइनली दोस्तों यहां पर आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दूसरा यहां पर फ्रेश लॉगिन, तीसरा यहां पर रेनुअल लॉगिन। तो फाइनली दोस्तों यहां पर हम रेनुअल फॉर्म की बात करें, तो दोस्तों आपको अगर आप पिछले साल अपना फॉर्म फिलअप किए थे, जैसे आपने 9th में अपना फॉर्म फिलअप किया था, तो दोस्तों इस बार आप हाई स्कूल में पहुंच रहे होंगे, तो दोस्तों हाई स्कूल वाले की छात्रों के लिए डायरेक्ट वो यहां से रेनुअल लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप यहां पर कक्षा 11 में अपना आवेदन फॉर्म फिलअप किया था, इस समय आप कक्षा 12 में पहुंच चुके हैं, तो डायरेक्ट आप रेनुअल फॉर्म फिलअप करेंगे, तो यहाँ पर आप पिछला ही रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना लॉगिन करके दोबारा से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर में अपना फॉर्म फिलअप किया था, अब आप सेकेंड ईयर में आ चुके हैं या थर्ड ईयर में आ चुके हैं, दोस्तों फाइनली आप दोस्तों अपना रेनुअल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पर नए छात्रों के लिए, अगर आप 9th या हाई स्कूल के छात्र हैं, पहली बार आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, 9th में आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया था या कक्षा 11 में अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया था, इस समय आप कक्षा 10 या 12 या सेकेंड ईयर बीएससी के सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर में हैं और आप पहले अपना फॉर्म फिलअप नहीं किए थे, तो इस सिस्टम में आप दोस्तों आपको फाइनल अपना रजिस्ट्रेशन करके अब न्यू फॉर्म फिलअप करना रहेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर आपका जो नोटिफिकेशन है वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2024-25 ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों का जो अपडेट है, इसके लिए हमने दो दिन पहले हमने वीडियो बनाया था, जिसमें आपको हमने बताया था कि दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। तब तक यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है, इस पर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था, केवल वहाँ पर एक न्यूज़ के रिलेटेड हमने आपको जानकारी दी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि जुलाई माह से आप लोगों का यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट कर दिया जाएगा। किसी भी क्लास के छात्र हैं, चाहे आप 9th से लेकर बीए, बीएससी, बीकॉम, डिग्री, डिप्लोमा किसी भी क्लास के छात्र हैं, दोस्तों फाइनली दोस्तों आप लोगों का फॉर्म जो है जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, जुलाई महीने से। तो यहां पर आपका जून चल रहा है, जून की आज 6 तारीख हो चुकी है, इसके बाद इसी महीने के लास्ट से आप लोगों का यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, जिसके तहत आप लोगों अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर पाओगे। हालांकि यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, चाहे आप एससी कैटेगरी के छात्र हैं या फिर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं या आप अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कैटेगरी के छात्र हैं, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 9th के लिए फॉर्म फिलअप करोगे, तो यहाँ पर आपको प्रीमेट्रिक से अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, अगर आप 9th हाई स्कूल के लिए फिलअप कर रहे हैं। अगर आप कक्षा 11 या फिर आप 12 के लिए अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट से अपना फॉर्म फिलअप करना रहेगा। बीए, बीएससी, बीकॉम, डिग्री, डिप्लोमा के लिए यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट से अपना फॉर्म फिलअप करना रहेगा। इसी के साथ अगर आप अदर स्टेट के छात्र हैं, तो यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट
से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना रहेगा। अगर आप एससी एसटी और राज्य जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। देन इसी के साथ अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सेम इसी यहाँ पर ओबीसी वाले ऑप्शन से अपना फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप नाइन्थ के छात्र हैं तो यहाँ पर प्री मैट्रिक नाइन्थ हाई स्कूल के लिए, इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पर कक्षा 11-12 के लिए पोस्ट मैट्रिक, और यहाँ पर बी ए बी एस सी बी कॉम या कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट से अपना फॉर्म फिलअप करना है। इसी के साथ अगर आप मिनोरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको मिनोरिटी कैटेगरी में भी तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, आप अपने क्लास के हिसाब से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर आप जैसे ही किसी भी फॉर्म को फिलअप करने के लिए जाओगे तो यहाँ पर आपको एरर शो होगा जिसमें आपको बताएगा कि लास्ट डेट एंड हो चुकी है आपके इस प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आपका फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ, जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि आप लोगों का फॉर्म जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही आपका जुलाई स्टार्ट होगा आप लोगों के फॉर्म भी यहाँ पर स्टार्ट हो, फॉर्म फिलअप होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग अपना यूपी स्कॉलरशिप का जो डेट है वो बहुत ही जल्द आने वाली, जिसमें आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना रहेगा, जिससे जो आप यूपी स्कॉलरशिप का लाभ है वो ले पाएंगे। तो इससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके जरूर रखें। डॉक्यूमेंट में आपको अपना आय और यहाँ पर जात दो सर्टिफिकेट बनवाने रहेंगे, जिसको आपको पहले से ही बनवा के रख लेना है। इसमें एक नया अपडेट भी लाया जाएगा जिसमें वो बायोमेट्रिक का, पहले यहाँ पर आधार ओटीपी का भी काम वर्क किया जाता था, जो आधार ओटीपी का भी यहाँ पर इससे आप अपना फॉर्म फिलअप करते थे जिसमें आधार वेरिफिकेशन कराते थे, तो उसको भी आधार मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके रखने का, जो आपका आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो भी होना चाहिए। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप पहले से ही अपना आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा के रख लेना। इसी के साथ आपको अपना बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक करा लेना है पहले से ही आप, क्योंकि यहाँ पर जब ऑनलाइन करने जाओगे तो यहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तो ये चीज़ आपके पास कंफर्म होनी चाहिए। आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर आपके पास आय और जात दो सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, पहले से ही आपको बनवा के रख लेना है। देन यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए। तो दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। फॉर्म फिलअप करने से लेकर आपके स्टेटस, फाइनल स्टेटस, सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। आगे आगे जो भी यूपी स्कॉलरशिप से नया अपडेट आएगा वो आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कोई भी अपडेट जारी किया गया तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।